नमस्कार सखी लोगन, आप सब लोगन का हमारे भोजपुरी सखी चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम आप लोगन के साथ नरम डोसा का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। ये डोसा खाए में बहुत स्वादिष्ट और बहुत नरम होला, खास करके छोटे बच्चों के बहुत ज़्यादा पसंद आवेला। और यदि घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है जकरे मुँह में दांत ना, वो भी ये डोसा के खा सकेला। डोसा खाए में बहुत ही नरम होला। तो ये डोसा बनावे के लिए हम डोसा बैटर पहले से तैयार करके रख ले हैं। और यहाँ पर ये डोसा के हम चना दाल की चटनी के साथ सर्व कर ले हैं। तो चना दाल की चटनी और डोसा बैटर का रेसिपी वीडियो के अंत में लगा लिया, वहाँ पर आप जाके देख सकेला। तो डोसा बनाने के लिए डोसा का बैटर इतना पतला रहे के चाहिए। और यहाँ पर गैस पर मध्यम आंच पर हम नॉनस्टिक की तवा रख दे हैं डोसा बनाने के लिए। तो डोसा बनाने के लिए नॉनस्टिक की तवा का इस्तेमाल करें, ये पे बड़े आसानी से डोसा बन जाला। तो जब ये तवा अच्छा से गर्म हो जाए तो ये पे थोड़ा सा रिफाइन तेल लगा लें और उसके बाद ये पे पानी छिड़क दें। और पानी छिड़के के बाद ये तवा पर का पानी साफ सूती कपड़ा से पोंछ लें। इससे तवा का तापमान बराबर हो जाला, डोसा बनावे लायक हो जाला। तो अब करछी में डोसा बैटर के भर लें और करछी की सहायता से इस तरह से डोसा बैटर के तवा के ऊपर फैला दें। जब भी डोसा बढ़िया से तवा के ऊपर फैला के हो जाए तो नीचे से डोसा के 1 से 2 मिनट तक सिके दें। और जब भी डोसा नीचे से 1 से 2 मिनट तक सिक जाए तो एक रुपये एक छोटा चम्मच रिफाइंड तेल डाल देवे के है। और अब ये डोसा के घुमा घुमा के बढ़िया से सेके के है। तो यहाँ पर आप चाहें तो आँच के थोड़ा सा बढ़ा भी सकेला और बढ़ा के ये डोसा के एकदम घुमा घुमा के अच्छी तरह से सेक लेवे के है। तो अभी नीचे से डोसा पूरी तरह से सेक के तैयार हो गला। तब एक पलट के दूसरी तरफ भी सेक लेवे के है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोसा में कितना बढ़िया रंग आला। तो दूसरी तरफ डोसा के बस 1 से 2 मिनट तक सेके के है, ज़्यादा देर तक ना सेके के है। और बिल्कुल इसी तरह से और भी डोसा बना लेवे के है। तो यहाँ पर हमारा सब डोसा बन के तैयार हो गला। ये डोसा के आप चना दाल की चटनी, नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी या फिर सांभर के साथ खा सकेला, खाए में बहुत स्वादिष्ट लगेला। तो यदि आप लोगन के ये डोसा का रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक करना भूलें। और यदि चैनल पर नया है, ऐसे ने और भी रेसिपी भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें।